बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ़ ग्रेड नाइन टुडे आर टॉपिक इज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज सिक्स स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन है यूज factorization टू फाइंड द square रूट ऑफ द फॉलोइंग expressions. स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है factorization की हेल्प से जब भी हमने factorization से square रूट फाइंड करना होगा तो गिवन एक्सप्रेशन ए प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा या ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा तो ए होल स्क्वायेर या a माइनस होल स्क्वायेयर कंप्लीट करने के बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा अब पार्ट वन इसका सॉल्व करते हैं फोर एक्स स्क्वे माइनस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्स स्क्स का होल है मिडल टर्म माइनस टू ए भी बनेगी टू फॉर्मूले का ए की वैल्यू टू एक्स है और लास्ट टर्म चूंकि थ्री वाई का होल स्क्वायर है तो बी की वैल्यू थ्री वाई हो जाएगी प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर लें तो फोर एक्स स्क्वायर आ गया इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें टू टू दर फोर फोर थ्री ट्वेल्व एक्स वाई मिडल टर्म आ गई और इसका स्क्वायर लेंगे तो नाइन वाई स्क्वायर आ गया तो चूंकि टू ए बी के साथ माइनस का साइन है इसलिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया अब स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एक साइड हमारे पासन है 4x square minus 12xy plus 9y square. इसका स्क्वायर रूट लिया इज इक्वल टू इसको जब हमने कंप्लीट स्क्वा फॉर्म में लिखा है तो वो टू एक्स माइनस थ्री वाई होल स्क्वायर जो इसकी सेकेंड साइड है अब यह स्कोर इस स्क्वायर रूट से कैंसल हो गया तो फोर एक्स स्क्वेर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया प्लस माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई अब इसी क्वेश्चन का पार्ट थ्री सॉल्व करेंगे वन ओवर सिक्सटीन एक्स स्क्वेर माइनस वन ओवर ट्वेल्व एक्स वाई प्लस वन ओवर थर्टी सिक्स वाई स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है ये वन ओवर फोर एक्स का होल स्क्वायर हो गया माइनस टू ए बी टू फॉर्मूले का ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वन बाय फोर एक्स इन टू लास्ट टर्म वन बाय सिक्स वाई का स्क्वायर बन रहा है तो बी की वैल्यू हो जाएगी वन बाय सिक्स वाई प्लस वन बाय सिक्स वाई का होल स्क्वायर अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो वन ओवर सिक्सटीन एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म आ गई इसको सिंप्लीफाई करें तीनों फैक्टर्स को तो ये टू और फोर की कटिंग हो रही है टू टू जार फोर यहां पे टू बचेगा तो वन बाय टू सिक्स ट्वेल्व एक्स वाई मिडल टर्म आ गई और इसका स्क्वायर लें तो वन बाय थर्टी सिक्स वाई स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया अब स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट साइड ये गिवन एक्सप्रेशन है square. इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जो इसका स्क्वायर कंप्लीट किया वो है वन बाय फोर एक्स माइनस वन बाय सिक्स वाई होल स्क्वेयर इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो गया तो वन बाय सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय ट्वेल्व एक्स वाई प्लस वन बाय थर्टी सिक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस वन बाय फोर एक्स माइनस वन बाय सिक्स वाई ये इसका फाइनल आंसर होगा जी स्टूडेंट्स अब पार्ट फाइव सॉल्व करेंगे पार्ट फाइव थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें न्यूमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है तो इस न्यूमिनेटर का हम अलग से स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग से कंप्लीट करेंगे फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो अब सोल्यूशन में सबसे पहले तो गिवन क्वेश्चन लिखेंगे एज इट इज फोर की पार सिक्स माइनस ट्वेल्व एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस नाइन वाई की पार सिक्स डिवाइडेड बाय नाइन एक्स की पार फोर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन वाई की पार फोर अब पहले न्यूमिनेटर का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं फर्स्ट टर्म टू एक्स क्यूब का होल स्क्वायर होगा टू का स्क्वायर ले तो फोर आ गया एक्स क्यूब का स्क्वायर पावर के ऊपर पावर आ गई तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो एक्स की पावर थ्री टूर सिक्स बन जाएगी माइनस टू फॉर्मूले का ए की वैल्यू हमें पता लग गई है टू एक्स क्यूब है और बी की वैल्यू जो लास्ट टर्म है ये थ्री वाई क्यूब का होल स्क्वायर होगा तो बी की वैल्यू हो जाएगी थ्री वाई क्यूब और लास्ट टर्म को थ्री वाई क्यूब का होल स्क्वायर लिखेंगे इसी तरह डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर कंप्लीट करेंगे फर्स्ट टर्म जो है ये थ्री एक्स का होल स्क्वायर है प्लस टू ए बी बनेगी मिडल टर्म टू फॉर्मूले का ए की वैल्यू थ्री एक्स है और लास्ट टर्म फोर वाई स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है तो बी की वैल्यू फोर वाई स्क्वायर हो जाएगी प्लस बी स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अब जो न्यूमिनेटर है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा अब चूंकि न्यूमिनेटर में भी होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर है, तो इसको हम बोथ स्क्टर और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो टू एक्स क्यूब माइनस थ्री वाई क्यूब ओवर थ्री एक्स प्लस फोर वाई का होल स्क्वायर आ गया अब स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास फ्रैक्शन है फोर एक्स की पार सिक्स माइनस ट्वेल्व एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस नाइन वाई की पार सिक्स डिवाइडेड बाय नाइन एक्स की पार फोर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन y की पार फोर इसका स्क्वायर रूट लेंगे इज इक्वल टू राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे टू एक्स क्यूब माइनस थ्री वाई क्यूब ओवर थ्री एक्स स्क्वेर प्लस फोर वाई स्क्वेर होल स्क्वायर और इसका स्क्वेयर रूट लेंगे ये स्क्वायर स्क्वेयर रूट से कैंसल हो जाएगा तो प्लस माइनस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री वाई क्यूब ओवर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर ये इसका स्क्वेयर रूट फाइंड कर लिया जी स्टूडेंट्स अब सेवेंथ पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वन का यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर इन टू एक्स प्लस एक्स होल प्लस ट्वेल्व ये बाहिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे अब अगर हम x प्लस वन ओवर x को वाई लेट करते हैं और दोनों साइड्स पे स्क्वायर लें तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो इसका बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले, ले लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो टू आ जाएगा क्योंकि ए एक्स है और बी वन ओवर एक्स है एक्स एक्स से कैंसल हो जाएगा अब एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू हमें चाहिए तो ये प्लस टू लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस टू आ गई और एक्स प्लस वन ओवर एक्स की जगह वाई आ जाएगा तो अब ये एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क् होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स स्क् प्लस वन ओवर एक्स स्क् की जगह वाई स्क्वायर माइनस टू और चूंकि यहां पे भी होल स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस वन ओवर एक्स को हमने वाई लैड किया था तो माइनस फोर वाई स्क्वायर आ गया प्लस ट्वेल्व अब इसका स्क्वायर ओपन करें ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी टू इंटू वाई स्क्वायर इंटू टू तो टू टू दर फोर वाई स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस ट्वेल्व अब इसको सिंप्लीफाई कर लें वाई फोर माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस एट वाई स्क्वायर प्लस फोर प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन बन गया अब वाई फोर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है माइनस टू फॉर्मूले का ए की वैल्यू वाई स्क्वायर है और चूंकि लास्ट टर्म सिक्सटीन फोर का होल स्क्वायर है तो बी की वैल्यू फोर आ जाएगी प्लस फोर का होल स्क्वायर अब इसका स्क्वायर लें तो वाई फोर आ गया इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस एट वाई स्क्वायर मिडल टर्म आ गई और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन लास्ट टर्म आ गई तो ये वाई स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर बन गया लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था वो एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फोर इन टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वेल्व अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायेर होल स्क्वायर माइनस फोर इन टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वेल्व इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और राइट right साइड पे वाई स्क्वा माइनस फोर होल स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर अब ये इसका फाइनल सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि हमने वाई की वैल्यू लेट की थी एक्स प्लस वन ओवर एक्स वो हम यहाँ वाई की जगह पुट करेंगे प्लस माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस फोर अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो प्लस टू बात जाएगा क्योंकि ए बी एक्स इंटू वन ओवर एक्स है एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा और माइनस फोर और ये प्लस माइनस साथ हम लगाएंगे अब ये प्लस टू माइनस फोर को सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा जी स्टूडेंट्स अब लास्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नाइन यहाँ पे हमें ये तीन फैक्टर्स गिवन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अब इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर factor की फैक्टराइजेशन करेंगे फिर सेकंड फैक्टर की फिर थर्ड फैक्टर की देन स्क्वायर कंप्लीट होगा तो इसके सोल्यूशन में अब पहले गिवन क्वेश्चन लिखते हैं एक्स प्लस एट एक्स प्लस सेवन इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स स्क्वा प्लस इलेवन एक्स माइनस ट्वेंटी वन अब जो फर्स्ट फैक्टर है इसकी फैक्टराइजेशन करें तो एक्स स्क्वा प्लस एक्स प्लस सेवन एक्स इसके दो फैक्टर्स बनेंगे प्लस सेवन सेकेंड जो फैक्टर है इसकी फैक्टराइजेशन में इसके दो फैक्टर्स बनेंगे माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री और लास्ट फैक्टर में टू को माइनस ट्वेंटी वन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस फोर्टी टू आता है तो माइनस फोर्टी टू के दो फैक्टर्स बनेंगे प्लस फोर्टीन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी वन अब यहां फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स कॉमन आ गया एक्स प्लस वन रिमेनिंग रह गया लास्ट टू टर्म्स में से सेवन कॉमन आया एक्स प्लस वन रिमेनिंग बच गया सेकेंड फैक्टर की फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स कॉमन आया टू एक्स माइनस थ्री बच गया प्लस इन दोनों टर्म्स में से वन कॉमन आया टू एक्स माइनस थ्री रिमेनिंग रह गया लास्ट फैक्टर में से फर्स्ट टू टर्म्स में से टू एक्स कॉमन आएगा रिमेनिंग फर्स्ट टर्म में से एक्स बचा प्लस सेकेंड टर्म में से सेवन और लास्ट टू टर्म्स में से माइनस थ्री कॉमन आया रिमेनिंग एक्स प्लस सेवन रह गया अब फर्स्ट फैक्टर में दोनों टर्म्स में से कॉमन x प्लस वन आ रहा है रिमेनिंग x प्लस सेवन बच जाएगा सेकेंड फैक्टर में से दोनों टर्म्स में से कॉमन टू एक्स माइनस थ्री आया रिमेनिंग एक्स प्लस वन बच गया और लास्ट फैक्टर की दोनों टर्म्स में से कॉमन एक्स प्लस सेवन रिमेनिंग टू एक्स माइनस थ्री रह गया अब एक्स प्लस वन भी टू टाइम्स है एक्स प्लस सेवन भी टू टाइम्स है टू एक्स माइनस थ्री भी टू टाइम्स है तो इन तमाम के ऊपर हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सेवन होल स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर अब चूँकि इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर स्क्वायर है इसको हम एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस सेवन इंटू टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं अब स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये जो गिवन क्वेश्चन है ये लिख लेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवन इंटू टू एक्स स्क्वे माइनस एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस इलेवन एक्स माइनस ट्वेंटी वन इसका स्क्वायर रूट लेंगे और राइट साइड पे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस सेवन इंटू टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस सेवन इंटू टू एक्स माइनस थ्री इसका फाइनल रिजल्ट होगा तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट कर लिया नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज